हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ और मैं आपको पढ़ाती हूं केमिस्ट्री हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, अब आपका एग्जाम पास में आ रहा है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। आप डेली बेसिस पे हर टॉपिक का रिविजन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स को टाइम टू टाइम देख रहे हैं। तो आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा ग्रुप नंबर 16 के बारे में। ग्रुप 16 के अंदर हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ सल्फर। तो देखिए, सल्फर जो होता है वो अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है एज अ मेटल सल्फाइड एंड मेटल सल्फेट, और H2S की फॉर्म में भी पाया जाता है। अकर्स एज एलिमेंटल फॉर्म इन लार्ज अंडरग्राउंड बेड। एलिमेंटल फॉर्म में भी सल्फर पाया जाता है, S के फॉर्म में, इन लार्ज अंडरग्राउंड बेड्स। बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड जब आप जाते हैं, ग्राउंड के अंदर जाते हैं डीप, तो वहां पे सल्फर उसकी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सेलेनियम एंड टेल्यूरियम इज एनोड स्लाइम। ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो प्रिंसिपल सोर्स जो है सेलेनियम एंड टेल्यूरियम का, वो एनोड स्लाइम है, जो कि डिपॉजिट हो जाता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के दौरान ये डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर, कि आप सल्फर का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। सल्फर का एक्सट्रैक्शन होता है फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स बाय पंपिंग सुपर हीटेड स्टीम डाउन। जब आप बहुत ज्यादा स्टीम दे देते हैं अंडरग्राउंड में, तो आपका सल्फर को एक्सट्रैक्ट हो जाता है या फिर सल्फर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखिए, अब हम देखेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। तो बेसिकली हम तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे यहां पे। नंबर वन इज रोम्बिक और येलो और ऑक्टाहेड्रल और अल्फा सल्फर और क्राउन शेप सल्फर। नंबर टू जो होगा वो होगा मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर, एंड थर्ड विल बी प्लास्टिक और गामा सल्फर। तो देखिए, सबसे पहले अल्फा सल्फर की अगर बात की जाए, तो अल्फा सल्फर जो है उसे कहा जाता है क्राउन शेप सल्फर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं इन H2O, तो येलो सल्फर या क्राउन शेप सल्फर H2O के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। मोनोक्लिनिक सल्फर भी H2O के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, और गामा सल्फर भी H2O के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी इन CS2। CS2 के अंदर अगर दे रखा बोला जाए तो सॉल्युबिलिटी होगी सल्फर की, तो दोनों ही केस में होगी, रोम्बिक में, अल्फा सल्फर में एंड बीटा सल्फर में, जबकि गामा सल्फर के अंदर सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। जो आपका येलो सल्फर होता है, अल्फा सल्फर होता है, वो स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर, जबकि यहां पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं देखा जाता। फोर्थ इज ऑल सल्फर चेंजेस टू दिस फॉर्म ऑन स्टैंडिंग अल्फा सल्फर। ये देखिए, आपको दिख रहा है यहां पे आपका क्राउन शेप का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसे कहा जाता है अल्फा सल्फर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। यहां पे आपको जो जो चीजें याद रखनी है वो मैं हाईलाइट कर रही हूं, आपको सिर्फ वही चीजें पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए रोम्बिक और येलो, अल्फा सल्फर या फिर क्राउन शेप, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्राउन शेप। तो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यहां पे जो आपको याद रखना है, बीटा सल्फर की कोई भी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती, ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आपको याद रखना है, गामा सल्फर जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, या फिर उसे फॉल्स सॉलिड कहा जाता है। तो यहां पे आपको यही चीजें याद रखनी है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते।
Next, several other modifications of sulfur containing 6 to 20 sulfur atoms per ring have been synthesized in last two decades in S6. बहुत सारे modifications देखे जाते हैं जहां पे सल्फर कंटेन करता है 6 टू 20 सल्फर एटम्स एक रिंग के अंदर, और ऐसे बहुत सारी रिंग्स को सिंथेसाइज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ S6। यहां पे आपका जो S6 है वो सिंपली ये बता रहा है कि 6 एटम्स सल्फर के जुड़े हैं और उन्होंने एक रिंग का फॉर्मेशन किया है। इन एडिशन वेरियस चेन पॉलीमर्स आर कॉल्ड कैटेना। इसके अलावा जब बहुत सारी चेन पॉलीमर्स बन जाते हैं सल्फर के केस में तो उसे कहा जाता है कैटेना, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ऐसी एग्जिस्ट इन 8 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। सेलेनियम की जो फॉर्म्स हैं वो टोटल हैं 8 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ऑल्दो हमें उन 8 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को नहीं पढ़ना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सेलेनियम की कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। तो उसकी 8 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स प्रेजेंट है नेचर के अंदर। कॉमन फॉर्म इज ब्लैक सेलेनियम। जो सबसे कॉमन फॉर्म है सेलेनियम की वो है ब्लैक फॉर्म, मतलब ब्लैक कलर का जो मिलता है सेलेनियम वो फॉर्म उसकी सबसे ज्यादा नोन है। ओनली ग्रे सेलेनियम कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो ग्रे सेलेनियम है वही केवल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सल्फर और सेलेनियम के बारे में। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडेशन। इट बर्न्स इन एयर विद ब्लू फ्लेम टू गिव SO2। सल्फर को जैसे ही आप ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में बर्न कराएंगे, हीट देंगे, तो ये SO2 में कन्वर्ट हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और फ्लेम का कलर क्या होगा? ब्लू कलर। SO2 converts into SO3 by further oxidation. SO2 को जब ज्यादा एयर और एयर आप दे देंगे और एयर की प्रेजेंस के अंदर, वो SO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी बाय फर्दर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय हॉट कंसेंट्रेटेड HNO3। सल्फर के साथ जैसे ही आप हॉट कंसेंट्रेटेड HNO3 को रिएक्ट कराएंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, एंड ये ऑक्सीडाइज होके क्या फॉर्म करती है? ये फॉर्म करती है H2SO4। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। देखिए, आप यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ेंगे, इसके बाद आप सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, ये दोनों आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन कंपाउंड, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को जाना जाता है H2S के नाम से, या फिर इसे कहा जाता है सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन। प्रिपरेशन मेथड की अगर बात की जाए H2S की, तो नंबर वन मेथड है बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl और H2SO4 ऑन आयरन पाइराइट। जैसे ही आप आयरन पाइराइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeS। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयरन पाइराइट क्या होता है। तो आयरन पाइराइट होता है FeS। जैसे ही आप FeS के ऊपर H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे या फिर डाइल्यूट HCl की रिएक्शन कराएंगे, तो आपको मिल जाता है FeSO4 एंड फॉर्मेशन होता है H2S का। तो ये रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द गैस इज देन ड्राइड ओवर फ्यूज्ड CaCl2 और P2O5। कंसेंट्रेटेड H2SO4 कैन नॉट बी यूज फॉर द ड्राइंग पर्पज एज H2S इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो H2S जो होती है वो आपकी एक कलरलेस गैस होती है, और इसकी जो स्मेल होती है वो आती है आपके रॉटन एग्स के जैसे, सड़े हुए अंडों की जैसे इसकी स्मेल आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, आपको पता है जैसे ही आप एयर की प्रेजेंस में H2S को बर्न कराएंगे तो आपके पास सल्फर निकलेगा, और उसका जो फ्लेम होगा वो होगा ब्लू कलर का। तो ये रिएक्शन भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एयर बहुत ज्यादा दे देते हैं, एयर सप्लाई इज इन एक्सेस, तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो आपका निकल जाएगा 2SO3। इट इज अ माइल्ड एसिड। H2S जो है वो बिहेव करता है एक माइल्ड एसिड की तरह, मतलब इसकी pH बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, 5 to 6 के बीच में इसकी pH लाए करेगी। H2S H+SH, SH- H+S-2।
इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस हाइड्रोजन इनटू करस्पॉन्डिंग हाइड्रा एसिड. H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये रिड्यूस कर देता है हेलोजन को उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रा एसिड्स में. अब अगर आपको H2S गैस का टेस्ट करना है कि किसी रिएक्शन के अंदर H2S गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी, अगर निकल रही है कोई गैस तो हमें पता करना है कि कहीं वो H2S गैस तो नहीं है, तो उसका क्या तरीका है? तो देखिए, सबसे पहले आप उसकी स्मेल से पता कर सकते हैं. अगर उसकी स्मेल अनप्लीजेंट है या फिर रॉटन एग्स के जैसी है तो आप बता सकते हैं कि वो गैस H2S है. नेक्स्ट आपका एक रिएक्शन होता है कि ये जो लेड एसीटेट होती है उसके पेपर को ब्लैक कर देती है. लेड, इट टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक. देखिए, जैसे ही आप CH3COO2PB को लेड एसीटेट को H2S गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको PbS लेड सल्फेट का एक डिपोजिशन मिलेगा जो कि होगा आपका ब्लैक कलर का. अगर ऐसा कुछ आपको रिएक्शन के अंदर देखने को मिल रहा है तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि वहां पे H2S गैस प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज द सल्फर स्ट्रक्चर ऑफ H2S. अब देखिए, सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आपको पता है अगर ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता तो S की जगह O होता. दिस इज वी शेप्ड स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है. बॉन्ड लेंथ इसकी होती है 1.35 एंगस्ट्रॉम एंड बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 92.5 डिग्री. आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो इसकी शेप याद रखनी है कि H2S की शेप क्या होती है. नेक्स्ट यूजेस, अगर H2S के यूजेस की बात की जाए, इट इज मेनली एम्प्लॉयड इन सॉल्ट एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ केटाइन. सॉल्ट एनालिसिस के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज है एंड फॉर द डिटेक्शन ऑफ केटाइन. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. आपको पता है अभी अभी आपने ऊपर देखा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है. इट रिड्यूसेस हेलोजन इनटू करस्पॉन्डिंग हाइड्रा एसिड्स. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं H2SO4, KMnO4, K2Cr2O7 एक्सेट्रा. तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाइड्रोजन सल्फाइड. नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड. इट इज अ टॉक्सिक गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल ऑफ बर्न्ट मैचेस. बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस है, स्मेल जो होती है वो बर्न्ट मैचेस की तरह होती है. इट इज रिलीज्ड नेचुरली बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी. जब भी नेचर के अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो ये गैस नेचुरली रिलीज होती है. एंड इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉपर एक्सट्रैक्शन. जब नेचर के अंदर से हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तब भी ये गैस प्रोड्यूस होती है. तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? वो पॉइंट्स हो गए कि सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, स्मेल जो होती है वो बर्न्ट मैचेस की तरह होती है. नेक्स्ट, रिलीज्ड नेचुरली बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉपर एक्सट्रैक्शन. प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो आपको पता है सल्फर को हीट कर देते हैं, S+O2 हीट किया तो आपको मिल जाता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड. लेकिन अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है लैब मेथड टू प्रिपेयर SO2. तो लैब मेथड होता है बाय हीटिंग कॉपर विथ कंसेंट्रेटेड H2SO4. जब आप कॉपर को कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो आपका बनता है CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O. तो ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई. आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द लैब मेथड टू प्रिपेयर SO2 गैस. अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की. तो SO2 भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है. SO2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O विल गिव यू H2SO4 प्लस 2HCl. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. H2S के साथ आपने SO2 को रिएक्ट कराया तो आपको मिलता है 2H2O एंड 3S आपका डिपॉजिट हो जाता है. ब्लीचिंग एक्शन, इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू द रिडक्शन. तो SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो होता है ड्यू टू द रिडक्शन. SO2 प्लस 2H2O विल फॉर्म H2SO4 एंड 2H. यूजेस की अगर बात की जाए इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए SO2 गैस का यूज किया जाता है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सल्फाइड्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. तो SO2 गैस का जो यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. ये आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह काम भी करता है एंड फॉर ब्लीचिंग डेडिकेट आर्टिकल्स. ब्लीचिंग एक्शन भी इसका पाया जाता है, इसीलिए ब्लीचिंग एक्शन में भी इसका यूज होता है. नाउ कॉन्टैक्ट प्रोसेस. देखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द स्टेप्स इन्वॉल्व आर प्रोडक्शन ऑफ SO2. सबसे पहले कॉन्टैक्ट प्रोसेस के दौरान आपका SO2 का प्रोडक्शन होता है. ये कैसे होता है प्रोडक्शन, अभी अभी आपने देखा था, या तो आप सल्फर को बर्न कर दीजिए या फिर आयरन पाइराइट को बर्न कर दीजिए विद स्टीम टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स. कन्वर्जन ऑफ SO2 थ्रू SO3. अब आपको ये भी पता है SO2 को SO3 में आप कैसे करते हैं कन्वर्ट फर्दर ऑक्सीडेशन के साथ. वो फर्दर ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इट इज डन इन द कंटेनर और कैटलिस्ट चैम्बर आफ्टर बीइंग प्रीहीटेड टू 450 डिग्री सेल्सियस. 2SO2 प्लस O2 आपने फर्दर ऑक्सीडेशन कराया और एक्सेस में एयर दी, आपका 2SO3 गैस निकली और कुछ कैलोरीज में आपकी हीट निकली. फॉर्मली प्लेटनाइज्ड एब्जेस्टोस वॉज यूज विच इज कॉस्टली एंड इजिली पॉइजन. दीज इज V2O5 इज यूज. इस रिएक्शन के दौरान, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की रिएक्शन के दौरान, 2SO2 प्लस O2 जब रिएक्ट कर रहे होते हैं तो आपका जो अभी के टाइम पे कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है V2O5. देखिए यहां से आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो सीधा यही आएगा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के दौरान, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब हो रही होती है तो कौन सा कैटलिस्ट यूज में आता है. तो जो कैटलिस्ट यूज में आता है वो होता है V2O5 और ये प्रोडक्शन कर रहा है SO3 गैस का. SO3 इज एब्जॉर्ब्ड बाय कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड देन वाटर इज एडेड टू प्रोड्यूस द एसिड ऑफ डिजायर कंसेंट्रेशन. SO3 जो होती है आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है बाय कंसेंट्रेटेड H2SO4, उसके बाद इसके अंदर पानी को मिलाया जाता है टू प्रोड्यूस द एसिड, एसिड को बनाने के लिए. नाउ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अभी अभी आपने देखा था कि जो आपकी SO2 गैस थी वो मैन्युफैक्चरिंग में काम में आ रही थी सल्फ्यूरिक एसिड के. तो जो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लेड चैम्बर प्रोसेस. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड. सो द आंसर इज लेड चैम्बर प्रोसेस. तीन स्टेप में आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी. नंबर वन, प्रोडक्शन ऑफ SO2. आपको पता है S प्लस O2 कर देंगे, SO2 बन जाएगी, या फिर आयरन पाइराइट को आप हीट कर दीजिए, O2 की प्रेजेंस में आपकी SO2 गैस आपको मिल जाएगी. नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट. अब आपको कैटलिस्ट का प्रोडक्शन करना है. इस प्रोसेस के अंदर जो आपका कैटलिस्ट होगा वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होगा. तो आप यहां पे देख सकते हैं NaNO3 के साथ H2SO4 को रिएक्ट कराया तो आपको HNO3 मिल गया, ये आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है. या फिर HNO3 को आप हीट अप कर सकते हैं तो H2O, NO, NO2 प्लस O2 गैस मिल जाएगी. नाउ रिएक्शन इन दी लेड चैम्बर. अब रिएक्शंस होंगी लेड चैम्बर के अंदर और हमें H2SO4 का जो फॉर्मेशन है वो होता हुआ नजर आएगा. SO3 प्लस H2O विल गिव यू H2SO4. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ सल्फर. आई होप अब आप सबको क्लियर होगा ग्रुप नंबर 16. हमने ग्रुप नंबर 16 को आप कंप्लीट कर लिया है. नाउ इन केस अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ. और अगर आपको कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है. नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. अगर आप CSIR, नेट, UGC, नेट के एस्पिरेंट हैं तो आप प्लीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनेजा मैम को फॉलो जरूर कीजिए. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेस और डेली लाइव टेस्ट मिल जाते हैं. एक सब्सक्रिप्शन के साथ आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल्ड पेड क्लासेस के
प्लान के साथ भी जा सकते हैं आप। यहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर गिवन है। जब आप ये डिटेल्ड पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कीजिए, NEHA। तो आपको जब आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है टोटल फी के ऊपर। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।